दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष एक नई जानकारी लेकर के। दोस्तों जो पहली बार इस चैनल पर न्यूज देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बात ये करना चाहते हैं आज, अगर PSL का पैसा इस आधार पर इस बेस पर दिया गया कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है और उसमें कोई स्पेलिंग मिस नहीं हुई, स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं हुई नाम में, या एड्रेस में कोई गलत एड्रेस तो नहीं पड़ा, या फोटो सही लगी है या नहीं लगी, इन पर दोस्तों अगर विचार करके पैसा से भी देगी तब दोस्तों हमें ही लगता कि सब लोगों को पैसा मिल पाएगा। क्योंकि जब पल्स में पैसा दोस्तों जमा होता था तब क्या होता था, जब पल्स में लोग पैसा जमा एजेंट जमा करते थे तो वहाँ पर बहुत सारे एजेंटों ने नाम पर ध्यान नहीं देते थे, क्या उनका नाम ID पर है क्या नहीं है और फोटो कौन सी लगनी चाहिए कैसी लगनी चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों फोटो ऐसे ऐसे एजेंट थे कि उन्होंने दूसरे की फोटो लगा करके और फॉर्म जमा कर देते थे और वहाँ जमा भी कर लेते थे। दोस्तों उन लोगों का मामला फंस सकता है जिन लोगों के का फॉर्म जब वहाँ जब खाता खुला था PSL में और उस समय जो फार्म भरा गया था उसमें जो फोटो लगे थे अगर किसी दूसरे की लगी है और इसमें किसी दूसरे की फोटो दी जा रही है मिसमैच होगा, उन लोगों का पैसा दिक्कत में आ सकता है। अगर जांच करके बेकायदे वेरीफाई करके देती है तो उनका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का नाम गलत है दोस्तों, नाम गलत क्या, बहुत बहुत लोगों का तो एकदम से नाम चेंज है, फुल डिफरेंट। किसी का नाम गणेश है तो पता लाग उसमें महेश लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार लेडीजों के नाम में बहुत डिफरेंट है, तो इन लोगों का मामला फंस सकता है। ऐसे में हमने देखा कि जब साइबर कैफे वाले फार्म भरते हैं उनका कहना है कि मैं 100 फार्म फिलअप करता हूं तो उसमें से 5-6 फार्म सही निकलते हैं और मतलब 5% मान लीजिए सही हैं, बाकी लोगों के फार्म गलत हैं। मतलब फार्म क्या गलत हैं, नाम में कहीं डिफरेंट है, कहीं एड्रेस गलत है, कहीं मतलब कि बहुत से इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों अगर पैसा वो देती है वेरिफिकेशन करके ठीक से वेरीफाई करती है, नाम देखती है, स्पेलिंग देखती है और आधार कार्ड पैन कार्ड में देखती है, बॉन्ड में देखती है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, एड्रेस में देखता है, इस आधार पर वेरिफिकेशन अगर करता है तो निवेशकों का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, मतलब कि बहुत सारे निवेशक रह जाएंगे। अगर सेवी वाले या इसको जो है इस आधार पर जांच करते हैं कि अकाउंट नंबर ओके है, उसमें नाम कुछ गलत है लेकिन अकाउंट सही है, किसी ने भरा है, तब इस बात को ध्यान देती है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी ने किया होगा, उसी का अकाउंट लगा है, उसी के नंबर अकाउंट नंबर सही है, उसी पर भेज दें, IFSC कोड सही है उसी पर पैसा लगा दें। अगर इस बात पर केयर करती है कि ज़्यादा ध्यान नहीं देती है उन सब बातों पर तो पैसा दोस्तों अगर उसकी नीयत अच्छी है, देने की नीयत है तो सबको पैसा दे देगी, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी को पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर अच्छे से वेरीफाई करती है, अभी तो वेरीफिकेशन हो नहीं रहा है, अगर अच्छे से वेरीफिकेशन करती है, ठीक से जांच करती है तो हमको लगता है कि बहुत अधिक संख्या जो लोगों का है वो पैसा लेने से वंचित रह जाएगा और सरकार या सेवी जो पैसा दे रही है वो इस बात पर इनकार कर देगी कि इन लोगों का पैसा ही नहीं, लोग फ्रॉड कर रहे हैं, दूसरे का पैसा लेना चाहते हैं, इसलिए जो है कि फॉर्म फिलअप किया हुआ है, रिजेक्ट
उन लोगों को क्या ऑप्शन देगी? दोस्तों, अगर इस बात का ध्यान रखती है कि जिसका रजिस्ट्रेशन बॉन्ड है उसी ने ही रजिस्ट्रेशन किया होगा और उसी के मतलब कि उसी ने दावा प्रस्तुत किया है, इसका अकाउंट सही है, आईएफएससी कोड सही है, बस इसी के अकाउंट में पैसा भेज दो, इस बात पर केयर करेगी दोस्तों, तो सभी को पैसा मिल जाएगा, कोई पैसा लेने से वंचित नहीं रहेगा, चाहे उसका नाम गलत हो, चाहे एड्रेस गलत हो, इससे उस कोई मतलब नहीं, सभी को पैसा मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात है 31 जुलाई के बाद क्या होता है। दोस्तों, हमें तो ये लगता है कि पैसा अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में आ गया है तो पैसा देने की बारी आएगी, अगर उसका नियत साफ है तो वो पैसा सभी को देगी, कोई उसे छूट नहीं पाएगा, चाहे नाम गलत हो, चाहे एड्रेस गलत हो, आईएफएससी कोड सही हो और अकाउंट नंबर सही हो, बैंक डिटेल सही हो, तो उसके अकाउंट में पैसा जरूर से जरूर आएगा, ऐसी संभावना है। धन्यवाद।